बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक इस वक्त पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में शदीद गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जारी। बहुत से शुमाल मशरकी पंजाब के इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होने की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तहम अगले 48 घंटों के दौरान और आज रात से ये सिलसिला फैल कर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में शदीद तरीन बारिशों का सबब बनता रहेगा और अगले 48 घंटों के दौरान यह सिस्टम पंजाब खैबर पख्तूनख्वा समेत बलोचि और सूबा सिंध के भी बेशतर इलाकों में फैल जाएगा और यह सिस्टम 26 जुलाई तक वक्फे के साथ मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद तरीन बारिशों का सबब बनेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद समेत गिलगित बल्तिस्तान, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान, जबकि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की वजह से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर, नौशहरा, मर्दान, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरात वाला में नशेबी इलाके जेरे आब आने का खदशा जाहिर कर दिया है। इस दौरान कश्मीर, गिलियात, मरी, चिल्लास, दियामीर, हुंजा, स्तोर, स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग का खतरा, डेरा गाजी खान और मशरकी बलोचिस्तान के मकामी नदी नालों में शदीद तुगयानी का भी खदशा है। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के 100% इलाकों में बारिशों के बाद कोलू, बोलान, नसीराबाद, खुजदार, सिब्बी समेत सुबह बलोचिस्तान और सुबह सिंध के भी बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों की तवक्को है। ताहम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत-ए-हाल का खतरा है। बारिशों का सिलसिला वक्फे के साथ 26 जुलाई के बाद भी जारी रहेगा। हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।